अजमेर गेट स्थित राम द्वारा के संस्थापक स्वामी श्री विश्वास राम जी महाराज के 168वें वर्षीय महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विद्वान संत हरिराम शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है। जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा कि आप ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। नारद जी ने कहा कि ऋषिवर मैंने उन्हें सारे वेद और उपनिषद सुना दिए हैं। जब वेदों व उपनिषदों से कोई फायदा नहीं हुआ तो भागवत पुराण से क्या फायदा होगा। इस पर ऋषियों ने कहा कि भागवत महापुराण सभी ग्रंथों का सार है। जो फायदा सार शिक्षा से होता है वह पूरी कहानी पढ़ने से नहीं होता है। यदि हम यह सोचे कि दूध से घी निकलता है इसलिए घी के लिए मेहनत करने के बजाय दूध से ही घी का काम ले तो दूध कभी भी घी का काम नहीं कर सकता है। ऐसे में समस्त वेद के उपनिषद कभी भी श्रीमद् भागवत पुराण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। संत ने कहा कि भागवत वैष्णवों का परम धर्म है, पुराणों का तिलक है, ज्ञानियों का चिंतन, संतों का मनन, भक्तों का वंदन तथा भारत की धड़कन है। किसी का सौभाग्य जब शिखर पर होता है तब उसे श्रीमद् भागवत पढ़ने, कहने व सुनने को मिलती है। संत ने कहा, कथा उपदेश नहीं उपचार है। मन को प्रभु में लगा लो। हम पानी बिजली व्यर्थ होने की चिंता करते हैं लेकिन जीवन व्यर्थ हो रहा है इसकी चिंता कौन करेगा। बीती हुई आयु वापस नहीं आ सकती है इसलिए कथा से जुड़े। कथा उपदेश नहीं उपचार है। कथा जीवन का शौक नहीं अनिवार्यता है। कथा रसपान करवाते हुए संत ने कहा कि कथा में दिखावे के लिए न आए। कथा सुनते वक्त अपने अंतर्मन में झांके और देखे कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे दूर करने का संकल्प ले। राजा परीक्षित को श्राप की कथा सुनाते हुए कहा, संत ने बताया कि मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है लेकिन ऐसा होने पर समय रहते सुधार और प्रायश्चित जरूरी है। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि इसका जितना भी पान किया जाए आत्मा तृप्त नहीं होती है। कथा के दौरान संत राम शरण केलवा वालों ने संतन के संग लाग रे तेरी इच्छा अच्छी बनेगी भजन सुनाया। इस दौरान डॉक्टर राम स्वरूप शास्त्री सोजत वालों ने कहा कि राम नाम जपने से सब दुख दूर हो जाते हैं। संत केवल राम महाराज ने गुरुवाणी का पाठ किया। कथा के दौरान संत प्रतीत राम, संत जगदीश राम, संत शिव राम तथा बाल संत आदि मंच पर मौजूद थे। कथा के अंत में डूंगरमल साकला, राम स्वरूप झंवर, पुलहरीश मुंद्रा, रमेश भराड़िया, राजेश झंवर, कमल सिंह, अतुल बंसल, राजेंद्र गर्ग, अजय अग्रवाल तथा मानक डाणी तथा रामद्वारा के समस्त भक्तों ने व्यास पूजन कर आरती उतारी। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मोरे आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।